अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनमोल इजी क्रिएशन। आई होप आप लोग खुश होंगे, रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे और रमज़ान की बरकतें भी समेट रहे होंगे। तो पकौड़े समोसे खा के अब दिल चाह रहा था मेरा आज कि भाई कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बेक कर लिया जाए। इसलिए मैंने आज बनाई है जी चिकन ब्रेड और ब्रेड रोल। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने ले लिया एक जस्ट पीस, उसको मैंने छोटा छोटा काट के स्लाइस करके, तो पानी 1 कप मैंने पानी लिया था, तो उसके अंदर मैंने डाल दिए जी अपने 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ठीक है, इन सबको आपने डाल देना है चिकन के अंदर और मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अगर आप जिंजर गार्लिक पाउडर नहीं डालना चाहते तो जिंजर गार्लिक यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे सिरका। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सिरका डाला था, वाइट सिरका, और बस इसको मैंने कर दिया कवर। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और बड़ी आसानी से बन जाती है। ठीक है, बस इसको हमने कवर करके रख दिया। और दूसरी तरफ मैंने ले लिया 1.5 कप मैदा, उसके अंदर फिर मैंने डाला जी 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दी शुगर यानी कि चीनी, और बस इसको मैंने साइड पे किया। और साथ में मैंने ले लिया 1/2 कप गरम दूध और उसके अंदर मैंने डाल दी है यीस्ट, इंस्टेंट यीस्ट मैंने ली है ये 1 टीस्पून। ठीक है, और इसको मैं मिक्स करूँगी। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जी यीस्ट नहीं है तो हम क्या बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल भी नहीं। ब्रेड के अंदर हमेशा यीस्ट ही यूज़ होती है, उसका वो रिज़ल्ट कभी भी नहीं आता बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का जो यीस्ट आता है। इसलिए ब्रेड में अगर आप कुछ भी कुक कर रहे हैं तो आप यीस्ट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपने लेना है 1 अदद अंडा, और ये मैदे को दरमियान में जगह बना के इसको डाल देना है अंडे को इसके अंदर ऐसे। ये क्या जी मेरा अंडा। तो 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, ऑयल से जो है वो सॉफ्टनेस आएगी, और बस इस तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। और 2 मिनट्स के लिए मैंने इसको दूध को छोड़ा था और उसके बाद बस मैंने इसके अंदर डाल दिया। आप चाहें तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं यीस्ट को, क्योंकि ये इंस्टेंट यीस्ट है, रोस्ट मोर की मैंने यूज़ की है। आप लोगों को जो भी ब्रांड अच्छा लगता है वो यूज़ कर लें। तो बस मैंने इसको अब मिक्स किया। अच्छा, इसमें आप लोगों को अगर लगे कि नहीं मुझे थोड़ा सा और दूध या पानी ऐड कर लेना चाहिए, तो क्योंकि अभी ये खुश्क है तो आप बेशक ऐड कर लें, लेकिन आपने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हमने इसको सॉफ्ट बनाना है लेकिन ज़्यादा सॉफ्ट भी हम नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर 2 to 3 टेबलस्पून मिल्क और ऐड किया था, और अब मैं इसको यहाँ से सारे आटे को इस तरीके से इकट्ठा कर रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको शेल्फ पे ले लूँगी। बाकी की अब इसकी जो इसका जो मेन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट होगा, क्योंकि जिस तरीके से इसको मैं गूंदूँगी ये आप लोग अच्छी तरह देखें, क्योंकि मेन जो आपकी चीज़ है ना ब्रेड यही है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे नहीं तो आपकी ब्रेड नहीं अच्छी बनेगी। ठीक है, यही इसका तरीका होता है गूंदने का, कि आप हाथ की ये जो बॉटम पार्ट है ये वाला, इससे आप इसको गूंदें जोर लगा के। ठीक है, अगर इसकी इसको आपने अच्छी तरह नहीं गूंदा तो आपकी जो डो है वो अच्छी नहीं बनेगी। बेसिकली काम ही सारा डो का होता है, कि अगर आपकी डो सख्त हो गई है या चिड़चिड़ी हो गई है तो फिर आपकी ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए इसका जो मेन प्रोसेस है वो यही है कि इसको गूंदना कैसे है। तो यहाँ पे एक दफ़ा मैंने पानी से हाथ गीले करके इसको गूंदा है और दूसरी दफ़ा मैंने ऑयल से करके गूंदा है। ठीक है, और इस तरह से करके मैंने इसको गूंद लिया। ठीक है, 5 मिनट आपने इसको लगातार इस तरह से करना है, उसके बाद आप ये देखें कितनी अच्छे से ये हो गई है रेडी। और उसके बाद मैंने इसको ऑयल लगाया चारों तरफ और इसी के अंदर रख के मैंने ऊपर से कवर करके 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया डो को। ठीक है, दूसरी तरफ ये हमारा चिकन जो है ये इसका भी पानी सारा खुश्क हो चुका है, ये रेडी है। इसके अंदर हम अपनी बाकी की चीज़ें डाल लेते हैं। तो मैंने शिमला मिर्च और टमाटर, एक छोटा सा टमाटर मैंने ऐड कर लिया, एक छोटी सी शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून मैंने ये फजीता मायोनीज ये ऐड की है,
जो चीज़ वाली मिलती है, अगर आप दूसरी यूज़ करना चाहते हैं तो दूसरी भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर केचप ऐड किया है। इधर मैंने 1 टेबल स्पून पहले ऐड किया था, बट मुझे कम लगा तो मैंने 1 चम्मच बाद में भी ऐड किया था। ठीक है, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या बेकरी होती हैं, वो लोग क्या करते हैं कि दूध के अंदर कॉर्नफ्लावर मिक्स करके उसको थोड़ा सा पका के तो वो डालते हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज मुझे तो मायो जी अच्छी लगती है, जो मायो का टेस्ट आता है वो उसका नहीं आता। ठीक है, सो उसको क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने मायो ही ऐड की थी। सो जी हमारी ब्रेड देखें कितनी अच्छी सी वो फूल चुकी थी, डबल साइज़ हो चुका था, तो मैंने इसको एक दफ़ा दोबारा से इस तरह से गूंदा और इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, एक पार्ट से हम रोल बनाएंगे और एक से हम ब्रेड बनाएंगे। और ये सबसे पहले मैं ब्रेड बना रही हूँ, तो इसको मैंने ओवल शेप में इस तरह से रोलिंग पिन से बेल लिया है अच्छी तरह। अब इसको आपने ज़्यादा मोटा नहीं रखना, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। अगर आप इसको बहुत पतला रखेंगे तो ये सख्त हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप इसको बहुत मोटा रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेयर उसकी मोटी से ये भी होगा कि वो शायद दरमियान से पकने में टाइम ले, या फिर आपका जो मसाला है वो इतना ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं, टेस्ट नहीं अच्छा बनेगा। ठीक है, तो आपने इसको ज़्यादा मोटा नहीं करना। ठीक है, तो अब हम इसको साइड से कर लेंगे और दरमियान में अच्छी क्वांटिटी में आपने इसका मसाला भर देना है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, वैसे आप लोगों को क्या पसंद है? कुछ लोग बेकिंग बहुत पसंद करते हैं, वैसे हमारी यंग जनरेशन जो है वो बेकिंग पसंद करती है, और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या हमारे बड़े हैं वो तो कुकिंग की ज़्यादा चीज़ें पसंद करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को क्या पसंद है, कुकिंग या फिर बेकिंग। तो ये देखें जी, अब हमने ये सारी जो कटिंग की है साइड से, इसको हम क्रिस क्रॉस लेफ्ट एंड राइट इस तरीके से बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको कवर करते जाएंगे और फिश की शेप आप इसको देंगे ऐसे, और लास्ट से आप इसको अच्छी तरह बंद करेंगे, कहीं से मसाला नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके अब जो इसके ये पीछे से टेल है, इसको मैं टेल की प्रॉपर लुक देने के लिए मैंने फोक से इसको ऐसे हल्के हल्के से लाइंस दे दी। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसका मुंह बना लिया, और इसकी आंख मैंने बनाई थी शिमला मिर्च का एक छोटा सा पार्ट लगा के, और बाकी के जो इसके फिन थे वो मैंने शिमला मिर्च और टमाटर को काट के लगा लिए थे। दूसरी साइड पे जी अब हम बनाएंगे ब्रेड रोल। तो इस तरह से पहले मैंने इसको रोटी की तरह सर्कल शेप में बना लिया, और ये मैंने इसको ये रखा था दरमियान में ताकि मेरा जो सेंटर पॉइंट है वो मुझे मिल जाए सही तरह से। ठीक है, अगर आप ये नहीं भी रखना चाहते तो नोट आप ना रखें, आपको वैसे अंदाज़ा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो वैसे ही आप कटिंग कर लें। और ये मैंने एक पहले बना के चेक किया था कि मेरा सेंटर पॉइंट अच्छा बना है या नहीं, तो जी अच्छा बन गया था, तो मैंने ये इसको सारे को कट्स लगा लिए थे। ठीक है, ऐसे करके बस अब हम इसको रोल अप करेंगे ऐसे। ठीक है, तो अब बाकी भी इसी तरीके से हम बनाएंगे। ये मैंने सबको मसाला रख दिया और यहाँ से पकड़ के ऐसे सिंपल। ठीक है, ऐसे, और आपने ये फिक्र नहीं करनी कि ये साइड पे मसाला है तो ये, क्योंकि हम इसको बेक कर रहे हैं इसलिए मसाला निकलने की वो टेंशन नहीं है। ठीक है, ये मैंने केक, बेसिकली केक का जो सांचा होता है उसके नीचे वाली प्लेट ली है, उसको मैंने ग्रीस किया और उसके ऊपर मैंने ये अपनी सारी जो फिश और रोल दोनों रख दिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, एक अंडे को फेंट लिया है अच्छी तरह, और ब्रश की मदद से इनके ऊपर एक एक कोट अंडे का मैंने कर दिया है। तो ये फर्स्ट कोट है, बाकी का हम इसको पहले बेक करेंगे और उसके बाद दूसरा कोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैं पतीले में बना रही हूँ, अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो ओवन में बना लें, लेकिन ये मैंने ओवन के बगैर बनाया था पतीले के ऊपर, तो उसको मैंने 10 से 15 मिनट पहले प्री हीट कर लिया, ग्रिल रखी हुई है और उसके ऊपर मैंने ये इतना रख दिया प्लेटर और उसके ऊपर से कवर कर दिया। 30 मिनट्स आपने इसको कवर रखना है। 30 मिनट्स के बाद ये देखें ये साइज़ में डबल हो चुके हैं, और अब मैं इसके ऊपर एक कोट और कर रही हूँ अंडे का,
इस तरीके से ब्रश की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह कोट कर लिया है। ठीक है, अब इस स्टेज पे आप चाहें तो 2 मिनट्स के लिए आप इसको ग्रिल कर सकते हैं, ये उसी टाइम गोल्डन हो जाएगा, क्योंकि मेरे ये अंदर तक पक चुके हैं। और ये देखें, अगर आप ग्रिल नहीं करना चाहते तो फिर बस ऐसे ही इसको 10 मिनट के लिए और कुक कर लें, एंड दैट्स इट, इट्स डन। ठीक है, ये देखें जी कितने अच्छे बने हैं, और ये देखें अंदर तक कितने अच्छे पक चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। रमज़ान है तो दुआओं में हमें भी याद रखा करें, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, यही आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई होती है हमारे लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।